हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता एंड वेलकम टू सरिता की रसोई। तो आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ बसंत पंचमी स्पेशल, ये बेसन की बर्फी। सॉफ्ट कितना बना है ये देखिए, बर्फी कितनी सॉफ्ट बनी है ये देखिए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने ये एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं 2 कटोरी बेसन डालूंगी। अब इसी में मैं 1 कटोरी देसी घी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्का गरम दूध धीरे धीरे मिक्स करेंगे और इसको घोल जैसे बनाते जाएंगे। हमने पहले आधा गिलास दूध डाला, आधा गिलास और डाल देंगे। हमने अच्छे से इन गुठलियों को प्रेस कर करके पूरा घोल जैसे बना लेना है। तो ये देखिए घोल हमारा तैयार है। हम इसमें आधा गिलास और दूध डाल देंगे। हमने टोटल ये वाला 1.5 गिलास दूध डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका अच्छे से घोल बना लेंगे हम। तो ये देखिए हमने बेसन को अच्छे से घोल बना लिया है इसका दूध में डाल के। अब हम इसको 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि इससे हमारा बेसन फूल जाए। तो 10 मिनट हो गए, उसके बाद हमने ये गैस ऑन करके कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है और फ्लेम हमने लो कर दिया है। अब धीरे धीरे हमने इसको ऐसे ही मिक्स करते जाना है, लगातार इस बेसन को चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर हम छोड़ देंगे तो ये बेसन हमारा कढ़ाई के साथ लग जाएगा और जिससे हमारा ये सारा बेसन खराब हो जाएगा। तो देखिए बेसन हमारा धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए हमारा दूध लगभग सारा सूख चुका है। तो अभी हमने इसको ऐसे ही मिक्स करते रहना है। ये देखिए हमारा बेसन लगभग एक गोला जैसे बन गया है, इकट्ठा हो चुका है। तो हमने इसको ऐसे ही धीरे 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 मिक्स करते रहना है। चुटकी फूड कलर डालेंगे, येलो फूड कलर, और इसको मिक्स कर लेंगे। बेसन इतना सॉफ्ट हो चुका है, एकदम नए स्टाइल की मिठाई बनाना सीखी है। इससे पहले आपने इस तरीके से कभी मिठाई नहीं बनाई होगी बेसन की। तो अब हम इसमें पीसी हुई 1 कटोरी चीनी मिलाएंगे पहले और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में 1/2 कटोरी चीनी हमने और मिलानी पीसी हुई। टोटल हमने 1.5 कटोरी चीनी डाली है इसमें। हम 1 कटोरी खोया डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन का डो हमारा अच्छे से टाइट हो चुका है, इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसी में हम इलायची पाउडर डाल देंगे। तो ये बेसन हमारा जमने की कंडीशन में आ गया है। तो अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसको हमने चलाते रहना है क्योंकि पैन हमारा गर्म है, कढ़ाई बिल्कुल गर्म है। छोड़ देंगे तो ये जल सकता है, तो लगातार चलाते रहना है। तो हमने ये ट्रे ले लिया, इसको ग्रीस कर लिया हमने घी लगा के। अच्छे से फैला लेंगे पूरे बारीक कटे हुए बादाम और थोड़े से काजू। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं ये बेसन और इसको अच्छे से फैला देते हैं। इसके बाद हमने इसको चम्मच के साथ अच्छे से स्मूथ स्प्रेड कर देना है ताकि ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। 1 कटोरी लेंगे, इसके नीचे हमने ऐसे घी लगा लेना है और इसको अच्छे से हमें चिकना कर देना है। ऊपर से हमने बादाम डाल देने, कटे हुए बारीक बादाम और काजू अच्छे से, और इसको स्पून की सहायता से इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। तो हम इसको जमने के लिए रख देते हैं। 2 घंटे के बाद हमारी ये ड्राई हो चुकी है। हमने कट के निशान लगा लिए हैं। तो अब हम ये एक पीस निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, और देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो ये देखिए हमारी बेसन की बर्फी बनके तैयार है। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से हमने ये बेसन की बर्फी बनाई है। ऐसी रेसिपी आज तक आपने देखी नहीं होगी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। जो बिगनर्स भी हैं वो भी इसको बहुत इजीली बना पाएंगे। और कुछ के मैंने ये देखिए मिनी लड्डू बनाए हैं मेरे लड्डू गोपाल के लिए। ये देखिए छोटे छोटे मैंने बेसन के लड्डू बना दिए। इसमें से आधा पार्ट मैंने रख दिया था जिसके लड्डू बना लिए, बाकी के मैंने बर्फी जमा दिए। आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।